मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन टू दैन दियल डिस्टेंस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल वेरीजली एस द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस तो यहाँ पे हमें एक असर्सन की है एक रीजन की बन है सोल्व करते हैं तो असर्सन में डायग्राम से देखते हैं तो यहाँ पे मैंने देखा हमारे पास क्या है? एक मैग्नेट है जिसका एक साउथ एंड एक हमारा नॉर्थ होता है आपको पता होगा मैग्नेट में दो हमारे पास एंड होते हैं एक नॉर्थ एक हमारा साउथ होता है ठीक जिसको पोलैरिटी बोला जाता है अब यहाँ पे देखो एक्सीएल लाइन क्या होती है एक ऐसी लाइन जो मैग्नेट के सेंटर से पास करे जो हमारे पास यहाँ पे देखो ओ पॉइंट था हमारे पास क्या है मैग्नेट का सेंटर मैग्नेट के सेंटर से पास करे और लेंथ के पैरल हो उसको हम कहते हैं एक्सीएल लाइन देखो जो मैग्नेट का लेंथ था उसके पैरल है और सेंटर से पास करे तो कौन सी लाइन होती है एक्सीएल लाइन इक्टोरियल लाइन यहाँ पे लिखी गई वो लाइन कौन सी होती है एक ऐसी लाइन जो मैग्नेट के सेंटर से पास करे पॉइंट से पास कर रही है और लेंथ के परपेंडिकुलर हो मैग्नेट की जो लेंथ थी देखो उसके परपेंडिकुलर है तो इस तरह की लाइन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन अब क्वेश्चन में एक है कि ये शो करना था कि एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो टू टाइम होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल लाइन सेम डिस्टेंस पे तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक्सिस पे एक पॉइंट पी ले लिया देखो एक पॉइंट पी है एक्सिस पे जहा पे मैं इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा और इस पॉइंट पी की डिस्टेंस देखो इस मैग्नेट के सेंटर से आर डिस्टेंस पे है तो डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है कहां से मेजर किया जाता है हमेशा सेंटर से मेजर से करोगे तो पॉइंट पी की डिस्टेंस मैंने अज्यूम किया कि देखो मैग्नेट के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है आर ये पॉइंट अभी कहाँ पे है देखो एक्सियल लाइन पे है तो पॉइंट पी एक्सियल लाइन पे था अब इतने ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट मैं लेता हूं इक्वेटोरियल लाइन पे देखो इक्वेटोरियल लाइन पे वही सेम पॉइंट पी है और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सेम डिस्टेंस है देखो आर डिस्टेंस डिस्टेंस से तो इक्टोरियल है, से है अब हमें क्या शो करना था, था वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो टू टाइम होती है इक्वेटोरियल लाइन के तो अगर इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक मैं 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 फील्ड लिखूंगा जो कि पॉइंट पी हमारा जब एक्सिस पे था वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है डायरेक्ट फॉर्मुला होता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम कैपिटल एम क्या होता है हमारे पास देखो मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई आर क्यूब आर क्या होता है मैग्नेट uh, के सेंटर से जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हो उसके बीच की डिस्टेंस तो यहाँ पे आर है इंटू टू से मल्टीप्लाई करना होता है यहां पे टू आता है जब आप डेरिवेशन करते हो तो टू यहां पे आता है तो इट मीन्स कि उसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू आती है टू इंटू म्यूनोट अपॉन फोर एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब इंपॉर्टेंट बात है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है जिधर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा देखो ये हमारे पास माइनस एम होता है ये हमारे पास प्लस एम होता है ठीक जैसे आप जब इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ते थे वहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यों आता था वैसे सेम यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती थी माइनस से प्लस की तरफ उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये आ जाएगी तो पॉइंट पी पे एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी या सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी हमेशा किधर हो जाएगी देखो जिधर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है क्लियर अब मैं अगर पॉइंट पी जो अभी इक्विटोरियल लाइन पे था अगर वहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा तो उसको मैं इक्वटोरियल लाइन से लिख सकता हूं ऐसे बी इक्टोरियल इक्वल्स टू बस यहाँ पे क्या आता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इन एम एम क्या था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई आर क्यूब आर क्या था जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हो उस पॉइंट से मैग्नेट के सेंटर की डिस्टेंस तो अभी सेम है आर है यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है इसका मतलब क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो अगर पॉइंट पी पे देखोगे जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कि है किधर है नेगेटिव टू पॉजिटिव तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक uh, फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो हमारा डायरेक्शन देखो इस डायरेक्शन पे आएगा थोड़ा सा मैं नीचे दिखाई दे रहा हूँ पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन पे आएगा क्लियर अब आप दोनों को मैग्नेटीड को कंपेयर करो तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू द मैग्नेट वो हमारा टू टाइम होता है मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन के इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड था वहाँ पे म्यू अपॉन फोर पाई एम अपॉन आर क्यूब है एक्सिस पे यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा एक टर्म आ रहा है टू तो यहाँ से स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही है कि एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है आर डिस्टेंस पे वो हमारा टू टाइम होता है इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड सेम डिस्टेंस आर पे क्लियर तो असर्सन वन बिल्कुल ट्रू है यहाँ से आप देख सकते हो रीजन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल वेरीज inversely as द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे बात की जा रही है मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे मिलेगी तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल में अपने पढ़ाओ का दो चार्ज होते हैं एक हमारा माइनस क्यू होता है एक प्लस क्यू होता है दोनों चार्ज के बीच की सर्टेन डिस्टेंस होती है लट से दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी थी ए ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है अच्छा एक चीज जो मैंने ये फॉर्मूला सब लिखा है वो फॉर्मूला ये मान के लिखा है जो हमारा लेंथ ऑफ द मैग्नेट है वो वेरी वेरी लेस देन है क्या है आर तब के लिए ये फॉर्मूला वैलिड था क्लियर इसको याद रखा जो आर डिस्टेंस है जहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा था वो आर जो है मैग्नेट की लेंथ से बहुत ज्यादा था तब ये फॉर्मुला वैलिड होगा अब यहां से अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करू ये हमारा देखो एक ऐसी लाइन जो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के पैरल होगा हमारा एक्सिस बन जाता है इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है वही सेम दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन का जो सेंटर पॉइंट होगा उससे कोई लाइन पास करे परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द Charges, वो हमारा इक्वेटोरियल लाइन बन जाती है ये हमारा कौन सी लाइन देखो एक्सियल लाइन होती है, line, हमारा, देखो, axial line होती है। की मैं बात कर रहा हूं अब आपने पढ़ा होगा डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अगर एक्सियल लाइन पे आएगा मतलब कोई point पे करेगा वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता to हमारे पास आता है टू के पी बाई आर क्यूब और इसी फॉर्मूले से मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख पाया था देखो टू मैग्नेटिक फील्ड में के पे 4 आ जाता है यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है पी जो हमारा डायपोल मोमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड में कैपिटल हो जाता है बाकी सब कुछ सेम रहता है तो आप देख पा रहे हैं कि एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसकी वैल्यू कितनी हो गई टू के पी बाई आर इसी तरह से अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन लिखूंगा डायपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी वैल्यू कितनी आती है इक्वेटोरियल लाइन अगर कोई पॉइंट भी देखो इक्वेटोरियल लाइन पे है सेंटर से आर डिस्टेंस पे देखो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे है तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है के

हो सकता है एक पॉइंट जनरल पॉइंट पे हो तो मैं जनरल की बात करता हूँ लेट से हमारे पास ये माइनस क्यू चार्ज था ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है एक डायपोल था ठीक ये हमारा डायपोल था डायपोल का ये सेंटर पॉइंट लेट से हमारे पास ये O पॉइंट था यहाँ से देखो कोई एक पॉइंट P है पॉइंट P यहाँ पे है ठीक और देखो डायपोल से सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी है आर पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पी पे आता है पेट से हमारे पास जो ये पॉइंट पी है इलेक्ट्रिक से थीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ई इज टू वो हमारा फार्मूला आता है अगर यहाँ पे देखो के पी अपॉन आर क्यूब के पी अपॉन क्यूब अंडर रूट वन प्लस आता है हमारे पास वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा ये आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब सब कुछ कांस्टेंट होगा मतलब कि किसी भी डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कहीं भी अगर देखोगे तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब आता है एक्सिस पे देखो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब यहाँ पे देखा मैंने इक्वेटोरियल लाइन पे यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब किसी जनरल पॉइंट में मैंने देखा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है मतलब कि स्टेटमेंट टू भी ट्रू है जो रीजन था हमारे पास देखो वो भी ट्रू है क्या कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल वेर इनवर्सली एस क्यूब ऑफ द डिस्टेंस तो यहां पे देखो आर क्या, क्या तो तो रीजन एसर्सन uh, को एक्सप्लेन कर रहा है नहीं रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है असरसन पे मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है तो दोनों दो अलग अलग चैप्टर है इट मींस रीजन एसर्सन को एक्सप्लेन नहीं करेगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू सही होगा देखो बोथ ए तो आंसर so क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर